हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन प्रिया कुकिंग रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो शेक की क्विक एंड इजी रेसिपी, जिसको पीना हम सभी पसंद करते हैं, तो फिर देर किस बात की है। चलिए दोस्तों, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पके हुए 4 से 5 आम ले लिए हैं, और आम को मैंने धो के फ्रिज में रखा हुआ था और फ्रिज से अभी जस्ट निकाला है। तो ये जो ठंडा ठंडा आम है, इसको हम सबसे पहले कट करेंगे, और किस तरीके से कट करेंगे वो आप आगे की वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक स्लाइस को कट किया है, और अब हम इसे थोड़ा ट्विस्ट वे में कट करेंगे। तो आप देखिए दोस्तों, मैं कैसे कट कर रही हूँ इसके। आपको भी इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये चटपट में बनने वाली रेसिपी है, और पीने में इसका स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। मेरी तो फेवरेट है, और आपकी फेवरेट है कि नहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, मैंने इसे कट किया है, इसके छोटे छोटे टुकड़े पीसेस बनाए हैं, ताकि जो हमारा शेक है वो काफ़ी आसानी से बन जाए और काफ़ी स्मूथ बने। तो इसी तरीके से हमने सारे मैंगो को कट कर लेना है, और ये मैंने कट किया है 3 से 4 मैंगो। 2 आम मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि 2 ग्लास बनाने के लिए इतना आम इनफ है। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार लिया है, और मैंने इसमें जो कट किया हुआ आम है, इसको इसमें ऐड कर लूँगी। आम ऐड करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने यहाँ पे 50 ग्राम लिया है। आप इसे चाहे तो ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है। और अब हम यहाँ पे लेंगे दूध की ताज़ी ताज़ी मलाई, इससे टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे मलाई लिया है, और इसको अब इसमें ऐड कर लेंगे, और हम मिक्सी ग्राइंडर को बंद करेंगे। अब आप सोचोगे कि मैंने इसमें दूध क्यों नहीं डाला। मैंने दूध इसलिए नहीं डाला, क्योंकि जब हम आम को दूध के साथ डायरेक्टली ग्राइंड कर देते हैं, तो आम के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको स्मूथ मैंगो शेक बनाने के लिए पहले मैंने मैंगो के पल्प को डायरेक्टली ग्राइंड किया है। तो आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, बहुत ही बेटर रिज़ल्ट आता है। तो ये देखिए, जो हमारा मैंगो का पल्प है वो काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो चुका है, कोई भी लम्स इसमें बिल्कुल नहीं बचे हैं, कोई टुकड़े नहीं बचे हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो मिल्क की क्वांटिटी है 1/2 लीटर, आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं अपने परिवार के लोगों के हिसाब से। तो मैं यहाँ 2 से 3 ग्लास बना रही हूँ, तो 1/2 लीटर दूध इनफ है। तो ये जो मैंने दूध लिया है, वो मैंने फ्रिज से निकाला है, ताकि हमारा जो शेक है वो ठंडे ठंडे बने। और अब हम इसको और ठंडा करने के लिए मैंने यहाँ पे 8 से 10 आइस क्यूब लिए हैं, ताकि जो मैंगो शेक है वो काफ़ी ठंडा हो, चिल्ड हो, जिसको पीने में मज़ा आ जाए। और गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी चीज़ें पीने का बहुत ही मज़ा आता है, और आम का शेक हो तो फिर तो क्या ही कहना दोस्तों। तो अब मैंने ग्राइंडर को बंद कर लिया है, और एक बार फिर से हम इसे 2 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। और अब देखिएगा दोस्तों, हमारा जो मैंगो शेक है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत ही बेटर आई है। तो चलिए अब हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारा मैंगो शेक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे सर्व करने के लिए 2 ग्लास लिए हैं, और ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी मैंगो शेक, और एकदम ठंडी ठंडी मैंगो शेक हमारी बन के तैयार हो गई है। और अब मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द इसे पीऊँ, और मेरे दिल को काफ़ी खुशी मिले। तो हो गया ना दोस्तों, झटपट में एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड मैंगो शेक रेडी। तो देरी किस बात की है दोस्तों, ले आइए बाज़ार से आम, और बनाइए अपने घर पे मैंगो शेक, और इसका मज़ा लीजिए गर्मी के दिनों में। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कि मेरे मैंगो शेक की इजी एंड क्विक रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप इसे अपने घर पे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देरी किस बात की है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।